हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हॉररलैंड में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे उसका नाम है हिप्पोपोटामस। नाम सुनकर आप भी हैरान ज़रूर हो गए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिप्पोपोटामस का इस मूवी से कोई भी लेना देना नहीं है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस से भरी हुई है, जो कि आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मूवी के आगे बढ़ने के साथ साथ आपके द्वारा लगाए गए सारे अनुमान गलत हो जाएंगे और इस मूवी का एंड आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। मूवी को एडवर्ड पाल्मर ने काफ़ी बखूबी से डायरेक्ट किया है, जो कि हम इस वीडियो के दौरान देखेंगे। तो आप भी हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मूवी के शुरू होते ही हम एक लड़की को नींद से जागता हुआ देखते हैं और वो अपने आप को एक कमरे में पाती है जहाँ पर वो अकेली थी। वो ये भी नोटिस करती है कि उसके दोनों पैरों में पट्टियाँ बंधी हुई है और उसे हिलने डुलने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उससे अपना नाम थॉमस बताता है और कहता है कि उसने उसको यहाँ पर किडनैप किया हुआ है और वो तब तक यहाँ पर रहेगी जब तक उससे थॉमस से प्यार नहीं हो जाता। फिर थॉमस उसे उसका नाम रूबी बताता है और उसे उसकी उम्र, एजुकेशन और उसके माँ बाप के नाम भी बताता है, जिसका मतलब ये साफ था कि रूबी को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। थॉमस रूबी से कहता है कि उसने उसके पैरों के लिगामेंट्स डैमेज कर दिए हैं, जिससे कि वो चल तो क्या हिल भी नहीं सकेगी। वो उसे दिन में 3 बार खाना देने के लिए आएगा, जिसके बाद उसे पेन किलर्स लेनी होगी ताकि उसे दर्द महसूस ना हो। थॉमस रूबी को हर दूसरे दिन नहलाएगा और उसे टॉयलेट वगैरह करने भी वही लेकर जाएगा, क्योंकि अगर रूबी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके दोनों पैर परमानेंट डैमेज हो जाएंगे और उसे अगर ठीक होना है तो जैसा थॉमस कहे वैसा ही करना होगा। रूबी यहाँ से भाग नहीं पाएगी, क्योंकि जिस कमरे में वो कैद है वो शहर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, और यह कहकर थॉमस वहाँ का डोर लॉक करके चला जाता है। और अब वहाँ उस रूम में रूबी बिल्कुल अकेली थी, एक जगह पर बैठी हुई। उस रूम में रूबी के अलावा होता है तो बस रूबी का बैग, जो कि चेयर पर पड़ा था और वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा दूर था। हम देखते हैं कि थॉमस रोज़ रूबी के लिए खाना और पानी लेकर आया करता था, जिसके बाद वो रूबी को वहाँ पर ऐसे ही छोड़कर चला जाता था। रूबी उस कमरे में बिल्कुल अकेली थी। फिर एक दिन रूबी चेयर पर पड़े अपने बैग के पास जैसे तैसे खुद को घसीटते हुए पहुंच जाती है और उसे चेक करती है, और उसमें से उससे अपनी पर्सनल चीज़ें जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, और वो अपने आप को मेकअप करने वाले छोटे से आईने में देखने की कोशिश करती है, जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि ड्राइविंग लाइसेंस में जो फ़ोटो है वो उसी की है या किसी और की, जो कि रूबी की ही होती है। तभी वहाँ पर थॉमस के आने की आहट होती है। रूबी फिर से जैसे तैसे अपनी जगह पर चली जाती है, लेकिन उस बैग से एक बॉल बाहर निकलकर गिर जाती है, जिसे रूबी थॉमस के आने से पहले ही अपनी शॉर्ट्स की जेब में छुपा लेती है। थॉमस उस रूम में आकर रूबी को ज़बरदस्ती पेन किलर खिला देता है, जिसके बाद वो वहीं पर सो जाती है। और जब रूबी नींद से जागती है तो थॉमस वही सब बातें उससे कहता है जो कि उसने रूबी को पहले कही थी, जैसे कि उसका नाम रूबी है, वो यहाँ पर तब तक रहेगी जब तक कि उसे थॉमस से प्यार नहीं हो जाता, और उसके पैरों के लिगामेंट्स डैमेज है वगैरह वगैरह, जो कि उसने रूबी को पहले कहा था। और हम देखते हैं कि रूबी भी ठीक वही सवाल उससे पूछती है जो कि उसने पहले किए थे, मानो रूबी को फिर से कुछ भी याद नहीं था, जिसके बाद थॉमस वहाँ से चले जाता है। तो अब सवाल ये था कि रूबी यहाँ पर कितने दिनों से है, क्योंकि हो सकता है कि थॉमस उसे कई दिनों से यहाँ पर कैद रखे हुए हैं और वो हर बार उसकी मेमोरी मिटा देता है ताकि रूबी को अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहे। लेकिन इस बार रूबी को अपनी शॉर्ट्स की जेब से वो बॉल मिलती है, जो कि उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो बॉल उसके शॉर्ट्स की जेब में आई कैसे, और यहीं से रूबी को थॉमस पर डाउट होना शुरू हो जाता है। फिर थॉमस वहाँ पर आता है और वो रूबी को उसके पैरों की एक्सरसाइज करवाता है, जिसके बाद वो रूबी को नहला धुला कर खाना वगैरह देकर वहाँ से चला जाता है। और एक बार फिर रूबी अपने आप को आईने में पहचानने की कोशिश करती है। रूबी के सर पर एक पट्टी बंधी हुई थी, वहाँ पर एक चोट का निशान भी था, लेकिन रूबी को इसका दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता था। रूबी उस छोटे से आईने में अपनी चोट को देखने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि उसके सिर में चोट है ही नहीं। हम देखते हैं कि थॉमस रूम के दूसरी तरफ बैठा हुआ है, वो दरवाजे के गैप से रूबी को देख रहा है, जिसकी आहट रूबी को हो जाती है और वह फिर से अपने आप को घसीटते हुए अपनी जगह पर पहुँच जाती है। फिर थॉमस उस रूम के अंदर आता है और उसे दवाई देकर सुला देता है
और वही सब होता है जो कि हर बार हो रहा था। रूबी को नींद से जागने के बाद थॉमस उसे वही सब बातें कहता है जो कि उसने पहले कही थी, जैसे कि वो कौन है और वो यहाँ पर कब तक किडनैप रहेगी। रूबी भी हर बार की ही तरह थॉमस से वही सब सवाल पूछ रही थी, जैसे कि उसे पिछला कुछ याद ही नहीं हो। ऐसा कई दिनों तक चलता है, लेकिन उस बॉल की वजह से रूबी को सिर्फ इतना याद रहता है कि वो आज से नहीं बल्कि काफ़ी समय से यहाँ पर कैद है। रूबी एक दिन थॉमस से आगे बात करने की कोशिश करती है और उससे एक पिलो, ब्लैंकेट और एक बुक मांगती है, क्योंकि वो यहाँ पर अकेली बोर हो जाती है। थॉमस को लगता है कि रूबी शायद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है और वो वही चीज़ें लाकर रूबी को दे देता है जो कि उसने मंगवाई थी। जब रूबी थॉमस की दी हुई बुक पढ़ती है तो उसे लगता है कि वो ये बुक पहले ही पढ़ चुकी है और उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी की सिर्फ यही एक चीज़ याद है, जिस पर थॉमस उससे ये कहता है कि ये बुक एक ट्रिगर है जो उसके इमोशन से कनेक्ट है, क्योंकि यह उसकी फेवरेट बुक हुआ करती थी और इस ट्रिगर से हो सकता है कि रूबी की मेमोरी वापस आ जाए, जिसमें थॉमस उसकी पूरी मदद करेगा। और इसके बाद थॉमस वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब थॉमस रूबी के पास वापस आता है तो वो रूबी से उसकी फेवरेट कॉफ़ी के बारे में पूछता है और थॉमस रूबी की फेवरेट कॉफ़ी कुछ ही सेकंड में वहाँ पर लेकर आ जाता है, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि रूबी उससे क्या मांगने वाली है। और वो कॉफ़ी पीते ही रूबी की मेमोरी फिर से ट्रिगर हो जाती है। रूबी को ठीक वैसा ही महसूस होता है जैसा कि उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी में महसूस हुआ करता था। जब रूबी उस कमरे में अकेले हुआ करती है तो वो थॉमस की दी हुई बुक पढ़ती है। उसे बुक के एक पेज पर कुछ अजीब अजीब लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे वो मिरर की मदद से देखने की कोशिश करती है जो कि उसने अपने पैरों की पट्टियों में छुपा रखा था, कि उस बुक के पेज पर उल्टे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था जिसका मतलब था डोंट ट्रस्ट हिम। और ये देखकर रूबी घबरा जाती है कि आखिर क्यों वो थॉमस पर भरोसा न करें। शाम को थॉमस एक टेबल उस रूम में लेकर आता है जिस पर बैठकर दोनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर करते वक्त रूबी थॉमस से कहती है कि वो कितनी लड़कियों को यहाँ पर इस तरह से फंसा चुका है। वो पहले उन लड़कियों पर रिसर्च करता है जिसके बाद वो उन्हें उससे प्यार करने पर मजबूर कर देता है। फिर वो उन लड़कियों का रेप करके उन्हें मार डालता है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि थॉमस की दी हुई वो बुक किसी और लड़की की थी जो कि शायद उससे पहले यहाँ पर कैद थी और उसी लड़की ने उस बुक में ये लिखा था डोंट ट्रस्ट हिम। फिर ये सब सुनकर थॉमस को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ टेबल पर पटकता है, जिससे कि पानी का ग्लास टूटकर उसके हाथ में लग जाता है और उसके हाथ से खून बहना शुरू हो जाता है। रूबी को अपनी गलती का एहसास होता है और थॉमस उससे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो यहाँ पर पहली लड़की है और वो बस ये चाहता है कि वो उससे प्यार करने लग जाए। अगले दिन रूबी अपने पैर चेक करती है और पट्टियों को खोलकर देखती है तो उसे ये पता चलता है कि उसके पैर बिल्कुल ठीक है, बस काफ़ी दिनों से एक जगह पर बैठे रहने के कारण वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। रूबी फिर से उस बुक को चेक करती है और उसे वो लिखावट देखकर ये ट्रिगर होता है कि वो उसी ने एक जली हुई माचिस की तीली से लिखा था और वो माचिस की तीली उसने रूम के ही एक ब्लॉक के पीछे छिपाई थी। उस ब्लॉक के पीछे देखने पर रूबी को वहाँ पर कई सारी माचिस की तीलियाँ दिखाई देती है और इसका मतलब ये था कि वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर कैद है और थॉमस उसे रोज़ बेवकूफ़ बनाता है। रूबी ये सोचती है कि ये माचिस की तीलियाँ इस रूम के अंदर आई कैसे, क्योंकि उससे इस माचिस की तीली के अलावा कुछ भी याद नहीं था। फिर हम देखते हैं कि रूबी और थॉमस कैंडल लाइट डिनर करते हैं और वहीं से वो ये तीलियाँ चुराया करती थी, जिससे कि रूबी उस बुक में एक बार ये लिखती है कि थॉमस के साथ इस खेल को जारी रखा जाए। हम देखते हैं कि रूबी धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है और थॉमस के आते समय वो उसे ऐसा दिखाती है कि वो अभी भी चल नहीं पाती। रूबी उस कमरे में एक्सरसाइज भी किया करती है, जिससे कि ये साफ पता चल रहा था कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है। रूबी ये जान गई थी कि वो बिल्कुल ठीक है, वो चल फिर सकती है, लेकिन जब भी थॉमस वहाँ पर आता है तो वो उसे ऐसे दिखाती है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। फिर एक रात जब दोनों डिनर करते हैं तो वो रूबी के लिए एक ऐसी डिश लेकर आता है जिसे टेस्ट करते ही रूबी को अपनी मेमोरी का एक पल याद आ जाता है, जिसमें रूबी यही डिश खा रही थी और सामने थॉमस ही था, लेकिन एक अलग ही अंदाज में। थॉमस रूबी
को ये बताता है कि वो उन दोनों की एनिवर्सरी इवनिंग थी जिस दिन उन्होंने ये डिश ऑर्डर की थी, जिसे सुनकर रूबी को थोड़ा शॉक लगता है और वो इसके आगे कुछ नहीं कहती। रात के समय रूबी उस रूम में लगी हुई दो ड्राइंग को देखती है जो कि उसी ने बनाई हुई थी, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। रूबी रोज थोड़ा थोड़ा थॉमस के करीब आती है, जिससे कि थॉमस को ये लगता है कि रूबी धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ रही है। लेकिन रूबी तो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कभी भी वहाँ से भाग नहीं पाती। फिर एक रात रूबी उस रूम में थॉमस के साथ डांस करती है और उसे उसकी मेमोरी का एक पल याद आ जाता है जिसमें थॉमस ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और रूबी ने भी उसे हाँ कर दिया था। वो थॉमस से पूछती है कि आखिरकार उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि उनकी ज़िंदगी ऐसी हो गई। थॉमस को भी लग रहा था कि रूबी अब सच सुनने के लिए तैयार है। थॉमस रूबी को ये बताता है कि वो एक वीकेंड पर अपने एक फ्रेंड निक के साथ बार में थी और थॉमस उसे पिक करने के लिए वहाँ पर आ रहा था, लेकिन थॉमस की ट्रेन छूट जाने के कारण वो रूबी को पिक नहीं कर पाता और निक रूबी के ड्रंक होने का फ़ायदा उठाकर उसे अपने फ्लैट पर ले जाकर उसके साथ ज़बरदस्ती कर उसका रेप कर देता है। थॉमस अपने फ्रेंड रॉब की कार से रूबी को ढूंढता हुआ निक के फ्लैट पर पहुँचता है तो वो देखता है कि निक ने रूबी के साथ ज़बरदस्ती की है और उसे काफ़ी पीटा भी है। रूबी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और थॉमस उससे इतना प्यार करता था कि वो उसकी ऐसी हालत नहीं देख पाता और गुस्से में आकर वो निक को जान से मार डालता है। रूबी को इस घटना का बहुत गहरा सदमा लगता है। वो ना तो थॉमस को पहचान पा रही थी ना ही खुद को। थॉमस रूबी को अपने साथ शहर से बहुत दूर ले जाता है और जंगल में एक खाली पड़े एक घर के रूम में उसे रखता है। थॉमस रूबी को बहुत प्यार करता था, लेकिन रूबी को लगता था कि निक की तरह वो भी उसे नुकसान पहुंचाएगा। थॉमस भी रूबी को ऐसी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। वो रूबी के हर बिहेवियर को बारीकी से देखता है और ये पाता है कि जब भी रूबी देर तक सोती है तो उसकी मेमोरी चली जाती है और उसे बस उस एक्सीडेंट के बारे में ही याद रहता है। थॉमस धीरे धीरे रूबी की मेमोरी को ट्रिगर करना सीखता है। जिस तरह हम किसी पुराने फोटो को देखकर उस पल को याद करने लगते हैं, ठीक उसी तरह रूबी को लगता था कि थॉमस भी उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन थॉमस ने एक ऐसा सीन क्रिएट किया जिसमें वो धीरे धीरे विलेन से रूबी का थॉमस बनता जाएगा और ऐसा करने में उसे काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। थॉमस रूबी को दिन में सिर्फ 4 ही घंटे सोने देता था ताकि रूबी को सोने से पहले का सब कुछ याद रहे। फाइनली जब थॉमस को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और रूबी भी सच सुनने को तैयार है तो उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन रूबी कांच के उस टुकड़े से थॉमस पर हमला कर देती है जो कि उसने छुपा कर रखा हुआ था और जैसे तैसे वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। रूबी जब उस रूम से बाहर आती है तो वह देखती है कि वो एक छोटे से आइलैंड पर है जहाँ पर बोट रखी हुई है और उस बोट के पास जाते जाते रूबी में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो वहाँ से निकल जाए और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। रूबी जब होश में आती है तो वो खुद को हॉस्पिटल के एक रूम में पाती है जहाँ पर डॉक्टर उससे कहता है कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई है, लेकिन वो इसे वापस लाने की पूरी कोशिश करेगा और ये कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि थॉमस ही होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये रूबी और थॉमस की एक लव स्टोरी है जिसमें दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन रूबी के साथ एक ऐसी घटना होती है जो कि वो कभी भी भुला नहीं पाती। इस घटना का रूबी पर इतना गहरा असर हुआ था कि जब भी वो सोकर उठती है तो उसे ये लगता है कि जस्ट अभी उसका रेप हुआ है और वो न तो खुद को पहचानती है और न किसी और को। थॉमस रूबी को बहुत प्यार करता था और वो उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता था। थॉमस हर वो कोशिश करता है जिससे कि रूबी की मेमोरी वापस आ जाए और रूबी वापस थॉमस से प्यार करने लगे। थॉमस को रूबी की मेमोरी ट्रिगर करके उसकी मेमोरी वापस लाने का रास्ता मिलता है और वो छोटी छोटी चीज़ों से उसके जुड़े हुए इमोशन को ट्रिगर करता है जिससे कि रूबी की मेमोरी वापस आती है। लेकिन रूबी को अंदर ही अंदर ये लगता है कि थॉमस ही वही इंसान है जिसने उसका रेप किया और वो इस बार उसका दिल जीतकर उसका प्यार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और इसी एक छोटे से डाउट के चलते इतनी कोशिश करने के बाद भी थॉमस फेल हो जाता है और हर बार की तरह इस बार भी थॉमस गिव अप नहीं करता और मूवी के एंड में फिर से रूबी को ठीक करने की पूरी कोशिश करता है।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं।